चलिए, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर, क्वेश्चंस और उनके आंसर। किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति अथवा उसकी स्थापना किस प्रकार से की जा सकती है? उस राज्य की विधानसभा द्वारा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के उपरांत संसद द्वारा। अगला है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला है, कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है? तो यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में। अगला है, वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त दल है? तो 7। बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। आपको बता दें, 8वीं पार्टी भी 2019 में, याद रखिए, तो 8वीं पार्टी है जो वो बनी है नेशनल पीपल्स पार्टी, इसकी पीपी की नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी जिसे बोला जाता है, इसकी स्थापना की थी पीए संगमा ने। ठीक है, ये पूर्वोत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय पार्टी है। और वैसे बहुजन समाजवादी पार्टी, भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आपको बता दें कि किन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है? यदि कोई पार्टी कम से कम 3 विभिन्न राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें जीतती है, या फिर यदि कोई पार्टी 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करती है, या फिर यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता रखती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अगला है क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। किस प्रमुख राजनीतिक दल ने इसका बहिष्कार किया था? तो याद रखिए, मुस्लिम लीग ने। अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्ति की गई थी डॉक्टर बी एन राव की। अगला है, 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार और फिर छठवां सांवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अगला है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि का अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। अगला है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति। अगला है, विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? 10 वर्ष तक भारत में निवास। अगला है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में। अगला है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह संपत्ति के अधिकार को। अगला है हमारा, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। अगला है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 20 में। अगला है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11 है।
अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों में वर्णित है? तो 149 बे अनुच्छेद में। अगला है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला है, भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1956 में। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, इसका क्या मतलब है? सर, विधायिका द्वारा पारित किसी अधिनियम की संविधानिक पर निर्णय देने की शक्ति। अगला है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों महान्यायवादियों को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88। अगला है, लोकहित के मुकदमों की पुनः स्थापना में उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया? तो न्यायमूर्ति PN भगवती ने। अगला है, संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला है, संविधान सभा का गठन किसकी संतति पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की संतति पर। अगला है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची के विषय पर। अगला है, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए? 1 माह के अंदर। अगला है, राज्य का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? वित्त आयोग की संस्तुति पर। अगला है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक एवं नियंत्रक में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। अगला है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला है, संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था किस बाद में दी थी? केशवानंद भारती बनाम बाद में। अगला है, भारत में राजनीतिक दल को कौन मान्यता देता है? निर्वाचन आयोग। अगला है, संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। अगला है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है? 50 सदस्यों द्वारा। अगला है, लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था? कांग्रेस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार है सदन के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। अगला है, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। तो याद रखिए वित्त विधेयक पर, लेकिन याद रखिए धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। अगला है, लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? संसद को, केवल राष्ट्रीय संकट के समय। अगला है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य को योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला है, किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो यह था तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। अगला है, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान। अगला है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अगला, यदि किसी विधि या संविधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता। अगला, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? राष्ट्रपति के।
अगला है राज्यों की सूची कि किस विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है, एक वर्ष के लिए। अगला राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी? क्या ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो ये थे केटी साहन। अगला है संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के। अगला है किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को। अगला है लोकसभा पर राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? लोकसभा में 552 व राज्यसभा में 250। अगला है किसी लोकसभा चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान संपन्न हुआ था? तो 14वीं लोकसभा चुनाव में। अगला है उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में याद रखिए केवल निर्वाचित सदस्य लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा की सभी सदस्य मनोनीत प्लस निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।